आज विजयदशमी है, जिस तरह से पूरे देश में आज रावण का दहन होता है, लेकिन इटावा के जसवंत नगर में आप देख सकते हैं ये 165 वर्ष पुरानी रामलीला है। और पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि रावण भी बाकायदा आज जिस तरह से सजाए गए हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ रावण का दहन नहीं होगा। जिस तरह यहाँ मैनेजमेंट जो है रामलीला का, उनका कहना है कि पंचक लग गए हैं, पंचक में रावण का दहन नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, आप देखो एक तस्वीर, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष, महिलाएं, और हर किसी के चेहरे पर उम्मीद है कि रावण का दहन देखने आए थे। क्योंकि जिस तरह से रामलीला पूरे देश में लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है कि रामलीला देखेंगे और रावण का दहन देखेंगे, तो आज जिस तरह से रावण का दहन नहीं हो रहा है, तो महिलाएं किस तरह से देख रही हैं? कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, आज दशहरा है, रावण यहाँ जसवंत नगर का नहीं दहन हो रहा, किस तरह से आपको कैसा लग रहा है? मायूस होके वापस जा रहे हैं? अच्छा, आप कहाँ से आए? अच्छा, आज रावण दहन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना, सब जगह हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ना इसके द्वारा घर जाना। बताया कि पंचक लग गए, इसलिए नहीं हो रहा। पंचक नहीं लगी है, अभी नहीं लगे सर। अच्छा, आप बताओ। आप सीतापुर से आए? अच्छा, 165 वर्ष पुरानी रामलीला है, घुमन सिंह जी। आप बताओ कहाँ से आए हो? अच्छा, आप रावण दहन नहीं हो रहा, किस तरह से देखते हैं? अच्छा, 13 तारीख को हो रहा है कल। अच्छा, आप बताएं कहाँ से आए हैं? बहुत खुश है, आज रावण दहन नहीं हो रहा, किस तरह से देख रहे हैं? बच्चों को बताता था कि आज रावण नहीं मर रहा है। मैं बच्चों से भी पूछता हूँ, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो ये बताओ, आज रावण दहन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है? तो आपने देखा, ये हर यहाँ लोग हैं, जनता है, मैं यहाँ की जो अध्यक्ष है कमेटी के, मैं आपसे ही जान लेता हूँ, आज रावण न दहन होने का क्या कारण? रावण नहीं दहन होने का कारण ये है कि पंचक अभी नहीं लगेगा, और पंचक कल सुबह 8 बजे लगेगा। अच्छा, मतलब पंचक लगेगा तब रावण दहन होगा? जी, क्योंकि रामायण के आधार पर रावण का वध पंचक में होता है, पंचक कल लग रही है सुबह 8 बजे, इसलिए कल जो है रात्रि 9:58 मिनट रावण का वध है। तो ये आपने देखा, ये जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये सारे लोग हैं, जिस तरह से पंचक में रावण का दहन कहा जाता है कि रावण का दहन जो हुआ था वो पंचक में हुआ था, लेकिन जिस तरह से लोग आप देख रहे हैं, हर कोई मायूस होके जा रहा है कि पूरे देश में आज विजयदशमी है और रावण का दहन आज हो रहा है, लेकिन पीछे जिस तरह से रावण सजा है, पूरी तरह से जो उसकी ये भूमि है जहाँ युद्ध भूमि, यहाँ पर बाकायदा राम और रावण का युद्ध होगा, लेकिन रावण का दहन 13 तारीख माने कल यहाँ पर किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।